हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक है, लेक्चर शुरू करते हैं। इस लेक्चर में हमने कल वाला ही स्वान कंटिन्यू करना है। कल जहाँ पे छोड़ा था, क्या छोड़ा था हमने? डिप्रेशन पढ़ लिया था, ओके गुड, हो गया। एक्सटर्नल डिप्रेशन पढ़ लिया था, ओके थ्री। फ्लक्चुएशन भी कर लिया था, सही है। तकरीबन हमारी सारी डेफिनेशन कवर हो चुकी हैं। अब हमने इसके आगे से कंटिन्यू करना है, तो चलें जी शुरू करते हैं। किताब हमारे पास ठीक है जी। अच्छा, इसके जो सब बैलेंसिंग मेथड्स वगैरह, यानी तो डेप्रिसिएशन मेथड्स हैं, उनकी डेफिनेशन मैं आपको नहीं कराऊंगा। उसको प्रैक्टिकली देखेंगे और वहां पे ही इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अगर किसी को क्लियर नहीं होगा तो फिर हम उसको दोबारा कर लेंगे। अच्छा जी, कितने बच्चे आ गए अभी तक हमारे पास? ज्यादा तो जल्दी आया करो। पार्टिसिपेंट ठीक है ना? क्वेश्चन तक हमारा हो गया था। अब हमने जानना है कि एसेट की कॉस्ट प्राइस क्या होती है। एसेट की ना मल्टीपल प्राइस होती है। एक होती है एसेट की बुक वैल्यू, फिर आ जाती है एसेट की परचेज वैल्यू। एसेट की कॉस्ट वैल्यू अलग होती है, परचेसिंग वैल्यू अलग होती है। ठीक है, आपने जो अप्लाई करना होता है डेप्रिसिएशन का रेट, वो किसके ऊपर अप्लाई होता है? कॉस्ट वैल्यू पे, परचेज वैल्यू पे अप्लाई नहीं होता। इसको कॉस्ट वैल्यू भी कहते हैं, कॉस्ट प्राइस भी कहते हैं, दोनों ठीक होता है। ओके सर, व्हाट इज मेंट बाय कॉस्ट प्राइस या कॉस्ट वैल्यू? अच्छा, ये वो प्राइस होती है जो आप उसको वर्किंग कंडीशन तक, आप उसको वर्किंग कंडीशन तक लाने में जितने भी पैसे खर्च करते हैं, सारे को क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट इनकर्ड टिल द एसेट इज ब्रॉट इनटू वर्किंग कंडीशन। ठीक है, वो तमाम अखराजात जो वर्किंग कंडीशन तक लाने के लिए हमने इनकर करने होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस है। अब परचेज प्राइस क्या होता है? जितने की आपने एसेट खरीदा है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने एक मशीनरी खरीदी थी, कि इस तरह के करके कुछ मशीन बनी हुई थी, इसको हमने खरीदा 7 लाख का। ठीक है, अब ये 7 लाख इसकी क्या है? परचेज प्राइस है। लेकिन इस 7 लाख में हम लोगों ने इसको किराया दिया 1 लाख रुपए हमारे फैक्ट्री तक लाने के लिए। 50,000 का इसमें हमने पेट्रोल डाल लिया, इनिशियल स्टेज में डाला था, बाद में नहीं, इनिशियल वाला, बल्कि इसको रहने तो खपते रहोगे फिर आगे। अच्छा, 1 लाख हमने इसको रेंट दे दिया, हमने इसको पेंट चेंट कराना था, 2 लाख उसके चले गए। टोटल खर्चा कितना हो गया हमारे पास? 7 लाख और 3 लाख, 10 लाख। अच्छा, अब ये जो 10 लाख है ना, ये इसकी क्या है? कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, परचेज प्राइस क्या होता है? जितने का आपने सिर्फ एसेट खरीदे। कॉस्ट प्राइस क्या होते हैं? कॉस्ट प्राइस क्या होता है कि जो आपने उसका इस्तेमाल तक लाने में जितने भी खर्चात किए हैं वो सारा। ठीक है, डन। कोई मसला यहां तक है तो पूछ ले। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्लियर। उसके बाद अब हम चलते हैं वर्किंग लाइफ पे।
आप लोगों की बुक में सिर्फ वर्किंग लाइफ है, यूजफुल लाइफ नहीं है, लेकिन वर्किंग लाइफ और यूजफुल लाइफ दोनों अलग अलग होते हैं। यूजफुल लाइफ में इकोनॉमिक लाइफ उसको कहते हैं, वर्किंग लाइफ क्या होता है, आपने एसेट लिया 2000 में, उसके बाद आपने 2005 में उसको बेच दिया। फॉर एग्जाम्पल आपने एक कंप्यूटर लिया था, आप आईटी के काम करते थे, आईटी के लिए आपने एक हाई एंड कंप्यूटर लिया, 2005 में आपने उसको बेच दिया, एक किसको बेच रहा, ऑफिस वालों को बेच दिया। अब ऑफिस वालों ने 2010 में इसको अगेन बेच दिया, किसको उसको बेच दिया, फॉर एग्जांपल स्कूल वालों को, स्कूल लैब में चला गया। अब 2010 के बाद 2015 में ये दोबारा आ गया, किसके पास, ये आ गया 2015 में, फॉर एग्जाम्पल नादरा वालों के पास, इनके नादरा वालों का सिस्टम अक्सर डाउन ही रहता है, नादरा पे आ गया। ठीक है, अब टोटल साल कितने बने, 15, ये 15 ईयर्स इसकी क्या है, वर्किंग लाइफ। लेकिन आईटी वालों के लिए यूजफुल लाइफ कितनी थी, 5 साल, ऑफिस वालों के लिए यूजफुल लाइफ कितनी थी, 5 साल, स्कूल वालों के लिए 5 साल। यूजफुल लाइफ के होते हैं कि आपकी एंटिटी ने उसको कितना देर इस्तेमाल करना है, यूजफुल लाइफ को एस्टिमेटेड लाइफ भी कहा जाता है। और वर्किंग लाइफ क्या होता है, वर्किंग लाइफ ये होता है कि आपने टोटल असासे को कितना देर यूज कर सकते हो। ठीक है, आपकी जो सी बुक है यहाँ पे वर्किंग लाइफ, यूजफुल लाइफ और एस्टिमेटेड लाइफ एक ही चीज है, लेकिन वैसे इसको अलग अलग डिफाइन किया जाता है, तो ये पता होना चाहिए वैसे आप लोगों को। लेकिन अगर इन केस आपके लेवल तक नहीं भी पता तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है डेफिनेशन स्क्रैप वैल्यू की। स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, और स्क्रैप वैल्यू किसी एसेट की होना या ना होना जरूरी नहीं है। ठीक है, अब कोई बंदा कहेगा कि स्क्रैप वैल्यू कैसे नहीं हो सकती, हो सकती है कि बिल्कुल ही जीरो, क्यों, फॉर एग्जांपल मैंने एक बनाई थी, क्या बनाने वाली मशीन, मैंने पाकिस्तान में एक डॉलर प्रिंट करने वाली मशीन लगा ली। ठीक है, मैं डॉलर प्रिंट करके दही जा रहा हूँ, दही जा रहा हूँ, दही जा रहा हूँ, मैंने 3 सालों तक धड़ाधड़ डॉलर प्रिंट किए, भाई बड़े पैसे कमा लिए। अब जब चौथा साल आया, मैंने कहा यार नहीं, अल्लाह तौबा करते हैं, अल्लाह तौबा करके मैंने कहा यार इस मशीन को मैं बेच देता हूँ, मैं इसको बेच जाता हूँ। लेकिन क्या कोई बंदा ये वाली मशीन खरीदेगा, बिल्कुल भी नहीं खरीदेगा। इसकी स्क्रैप वैल्यू क्या होगी, जीरो। स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, वैल्यू एट द एंड ऑफ इकोनॉमिक लाइफ, वो वाली अमाउंट जो आपको इकोनॉमिक लाइफ के एंड पे मिल जाएगी, उसको हम क्या कहते हैं, स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे आईटी वालों ने कंप्यूटर लिया था 20,000 का, इन्होंने आगे बेच दिया 15,000 का, तो इनके पास स्क्रैप वैल्यू क्या थी, 15,000 रुपये। ऑफिस वालों ने 15,000 का लिया, आगे इन्होंने बेच दिया 10,000 का, इनके लिए स्क्रैप वैल्यू क्या बनी, स्कूल वालों के लिए 10,000, और नादरा वालों के लिए ऑटोमेटिकली क्या बन गई, 5,000। ठीक है, ये होता है स्क्रैप वैल्यू। उसके बाद मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस, ये क्या होता है। अच्छा जी, मार्केट प्राइस ये होती है कि मार्केट में एसेट रेडीली कितने का सेल हो रहा है या परचेज हो रहा है, कितने का सेल परचेज हो रहा ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 70 ली थी, आपने कहा भाई मैंने 1.5 लाख की बाइक ली है, सही, 1.5 लाख की बाइक ले ली, मार्केट में गए, मार्केट वाले ने कहा यार ये तो बाइक ही आपकी 2 नंबर है, इसके तो सारे स्पेयर पार्ट्स ही गलत हैं। अब मार्केट में वो जाके सेल हुई है सिर्फ 50,000 की, इसकी मार्केट वैल्यू क्या बनी, 50,000 या 1.5 लाख, सोचो।
इसकी मार्केट वैल्यू बनेगी 50,000 रुपये। क्यों? क्योंकि मार्केट में उस अमाउंट की सेल हो रही है, ठीक है। इवन आप कभी ऐसा होता है कि मोबाइल फोन लिया आपने, बड़ा महंगा ले लिया, लेकिन एक आधे हफ्ते बाद ही क्या होता है, उसकी कीमत कम हो जाती है, तो मार्केट वैल्यू उसकी कम हो गई है, यानी जो मार्केट में प्राइस रेडीली अवेलेबल है उसको हमने क्या कहना है, मार्केट प्राइस कहना है। जिस कीमत पे आपने खरीदा है उसको क्या कहेंगे, परचेज प्राइस। जिस कीमत पे आप उसको लगा के लेके इस्तेमाल के कब, यानी आपने मोबाइल फोन लिया जस्ट एग्जाम्पल 35,000 का, ठीक है, ठीक है। लेकिन अब आपने 35,000 का फोन ले लिया, इसके ऊपर आपने लगाया प्रोटेक्टर, 100 रुपये आपके ऊपर लगे, उसके ऊपर आपने लिया कवर, 500 आपके उसके ऊपर लगे, अब फोन टोटल आपको कितने का पड़ गया, 35,600। 100 रुपये की आपने सिम ले ली, कितना पड़ गया, 35,700। ये 35,700 क्या आपकी कॉस्ट प्राइस, एक साल के बाद आपने मार्केट में जाके बेच दिया, वो 35,700 का बिका 32,000 का, अब ये 32,000 क्या हो गया उसकी स्क्रैप वैल्यू, मार्केट प्राइस। दोबारा से मार्केट में कितने का बिका, कितने का बिका था, 32,000 का, ये 32,000 क्या है उसकी मार्केट प्राइस, और जब आपने खरीदा था तब उसकी मार्केट प्राइस क्या थी, जो परचेजिंग प्राइस थी, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे पास बुक वैल्यू, कर लेते हैं पहले। सॉरी, अच्छा जी, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू क्या होती है, जिस अमाउंट पे एसेट आपकी किताबों में लिखा हुआ है। ठीक है, और एक चीज आपने ध्यान रखना है, क्या चीज, जो डेप्रिसिएशन है ना, डेप्रिसिएशन कैन नेवर बी ग्रेटर देन बुक वैल्यू। जो डेप्रिसिएशन की टोटल अमाउंट होती है, या जो डेप्रिशिएबल अमाउंट होती है, वो बुक वैल्यू से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकती, ना कॉस्ट वैल्यू से ज्यादा हो सकती है, ठीक है। डेप्रिशिएबल अमाउंट है वो कॉस्ट वैल्यू से या बुक वैल्यू से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकती। कॉस्ट वैल्यू से कब होगी, जब आप इनिशियल एस्टिमेट लगा रहे हो, अगर बुक वैल्यू से कब होगी, जब आप सब्सिक्वेंट एस्टिमेट लगा रहे हो, ठीक है। इनिशियल एस्टिमेट क्या होता है, यानी आपने अभी खरीदा है और आप अंदाजा लगा रहे हो भाई कितना हम लोग इसको खर्च कर सकते हैं, यानी कितने इसको हम डेप्रिशिएट कर सकते हैं, तब आपने लगाना है किसके हिसाब से, कॉस्ट वैल्यू के हिसाब से। बाद में आपने लगाना है किसके हिसाब से अंदाजा, बुक वैल्यू के हिसाब से। आप आगे जाओगे यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर रिवैल्यूएशन वगैरह पढ़ते हो, इवन आपने चैप्टर नंबर 6 में भी, 7 में भी पढ़ते हो रिवैल्यूएशन, वहाँ पे ये बुक वैल्यू वगैरह का ज़्यादा आ रहा होता है। चलें जी, यहाँ तक हो गया हमारा क्लियर। अब हमने चलना है एसेट की एग्जाम। एसेट कितनी तरह के होते हैं, पहले तो मुझे बताओ एसेट होता क्या चीज है, एसेट की डेफिनेशन देखते हैं पहले, क्योंकि हम शहजादे हैं, हम यकीनन भूल बैठे होंगे एसेट्स किसे कहते हैं। यूजफुल रिसोर्सेस, ऑफ द बिजनेस, ठीक है। ये क्या होते हैं, बिजनेस के यूजफुल रिसोर्सेस, क्या काम करते हैं ये, हेल्प टू अर्न इनकम। हेल्प टू अर्न इनकम,
ठीक हो गया। अब एसेट की ना दो मेन एग्जाम होती हैं, एसेट की दो मेन एग्जाम होती हैं, इनटेंजेबल एसेट और टेंजेबल एसेट। टेंजेबल के स्पेलिंग गलत है ये। इनटेंजेबल एसेट कौन से होते हैं जिनका फिजिकल वजूद ना हो? ठीक है, जिनका फिजिकल कोई वजूद ना हो उनको हम क्या कहते हैं, इनटेंजेबल एसेट्स कहते हैं। अच्छा, इन इनटेंजेबल एसेट्स के ऊपर एक टर्म यूज होती है, अमोर्टाइजेशन। जैसे टेंजेबल एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगती है ना, वैसे इनके ऊपर अमोर्टाइजेशन लग रही होता है। अमोर्टाइजेशन अब क्या होता है, रिडक्शन इन प्राइस ऑफ, रिडक्शन इन प्राइस ऑफ इनटेंजिबल एसेट। ठीक है, अब ये किस वजह से हो रहा है, टाइम पीरियड वगैरह की वजह से हो रहा होता है। इनटेंजिबल एसेट्स होते कौन कौन से हैं, इसमें आपके पास आ जाता है गुडविल आ जाती है। गुडविल क्या होता है कि आपके इदारे का कितना अच्छा नाम बना हुआ है। आपके पास पेटेंट्स आ जाते हैं, पेटेंट्स क्या होते हैं, ये रेसिपी वगैरह। आपके पास कॉपीराइट्स आ जाते हैं, ठीक है, ये सारा कुछ इधर कवर हो जाता है हमारा। डन हो गया, ये था जी इंटेंजिबल। अब सेकेंड टाइप आ जाती है आपके पास टेंजिबल एसेट्स। टेंजेबल एसेट्स, सर टेंजेबल एसेट्स कौन से होते हैं जिनका वजूद हो, फिजिकली मौजूद हो, फिजिकल एसेट्स। इन पे क्या चार्ज होती है, डिप्रिसिएशन चार्ज होती है। इनके आगे से ना तीन मेन एग्जाम है, फिक्स्ड, वेस्टिंग और करंट। करंट क्या होता है, वो वाले एसेट जो एक साल से कम में खत्म हो जाए, जैसे कैश वगैरह एक साल से कम। वेस्टिंग क्या होता है, यूज के लिहाज से कम हो जाए, यूज के साथ साथ कम हो जाए, जैसे वो कोल माइन वगैरह होते हैं, और ये इस्तेमाल के साथ कम। इसमें आपके पास आ जाता है चेयर टेबल वगैरह, इसमें आपके पास आ जाती हैं माइंस, और इसमें आ गई आपके पास कैश। ठीक है, ये होता है टेंजिबल एसेट्स। अब यहाँ पे आपके पास रिजर्व्स भी दिए हैं, लेकिन रिजर्व का यहाँ पे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। रिजर्व्स हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 के ही जो है ना डेफिनेशंस उनके साथ। तो कौन है क्लास में बाकी दो? हाँ जी भाई, हाँ बाकी तब जो इश्यू है वो पूछ लो, किसकी प्राइस होती है। सर ये जो प्राइस जो
इनटेंजिबल एसेट हैं, इनके कोई प्राइस वगैरह भी, वैल्यू वगैरह भी होती है, मतलब ये लेन देन हो सकता है इसका? इनका लेन देन हो सकता है। देखो आपने लाइसेंस बनवाया बाइक का, पैसे यस दिए थे, तो सर ये जो उनसे पैसे होते हैं, ये लाइसेंस फी वगैरह जो सर ने, ये सारे इंटेंजिबल होते हैं। अब देखो लाइसेंस किस चीज का आपको दिया गया, मैं बाइक चला सकता बाइक चला सकते हो, तो बाइक चलाने की कोई फिजिकल हैसियत तो नहीं है आपके पास? हूँ? नो सर। नहीं है ना। तो ये इंटेंजिबल एसेट्स की बुनियाद किसी चीज पे होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो वाली चीज आपको नजर आ रही हो। जैसे आपको लाइसेंस तो नजर आएगा, लेकिन जिस चीज का लाइसेंस दिया गया वो आपको नजर नहीं आ रही होती, और इसकी प्राइस होती है। गुडविल के अलावा ओके हर इंटेंजिबल एसेट की प्राइस आप निकाल सकते हो। गुडविल की सिर्फ तब निकलती है जब आपने ये कंसोलिडेशन वगैरह करनी होती है। जी, और ओके कुछ सर। कल कल एक्चुअल डीएस में कोई मसला वगैरह आ रहा पूछो, वरना फिर इसको खत्म करें, बैंकिंग का शुरू करें। नहीं, ये अकाउंटिंग की तो मुझे इतना खास कोई नहीं है, वो तो आज भी सर ने एक पेपर दिया था, मैंने सर को करके दे दिया था, उसका इसका मसला नहीं है, मुझे बैंकिंग का मसला है बस। हाँ चलो बस 5 मिनट में बैंकिंग शुरू कर रहे हैं, फिर इसको ज्वाइन कर। ओके सर। चलो भाई अल्लाह हाफिज, बैंकिंग में मिलते हैं। ओके।